पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे हे ओम ओम दृष्टि रसिया पाग्ने अग्नि मादंजहे निष्कृव्यादग्गुं सेधा देवयजं वह ध्रुवमसि पृथिवीं दृग्गुंह ब्रह्मवनि त्वा छत्रवनि सजातवन्युपद दामि भ्रातृवस्या वाधाय। अर्थात हे उपवेश देव, आप धैर्यवान हैं, आप देवताओं के लिए किए जाने वाले यज्ञ को वहन करने की कृपा कीजिए, आप कच्ची चीजों को पकाने वाले अग्नि छोड़ दीजिए, आप मांस पकाने वाले अग्नि छोड़ दीजिए, अर्थात आप इन दोनों अग्नियों को धारण मत कीजिए, आप यज्ञ अग्नि को धारण करने की कृपा करें, आप ध्रुव हैं, आप पृथ्वी पर दृढ़ता से बने रहने की कृपा कीजिए, आप ब्राह्मणों को धारण करते हैं, आप क्षत्रियों को धारण करते हैं, आप श्रेष्ठ जाति वालों को धारण करते हैं, हम शत्रुओं के वध के लिए आपको धारण करते हैं। हे अग्नि, आप ब्राह्मणों को धारण करते हैं, आप अंतरिक्ष को दृढ़ बनाते हैं, आप ब्राह्मणों को धारण करते हैं, आप क्षत्रियों को धारण करते हैं, आप श्रेष्ठ जाति वालों को धारण करते हैं, हम शत्रुओं का वध करने के लिए आपको धारण करते हैं, आप सभी को चेतना देते हैं, आप हमें ऊर्ध्वगामी बनाइए, आप हमें स्थिर चित्त वाला बनाइए, हमें भृगु और अंगिरस ऋषि के तप की तरह तेजस्वी बनाने की कृपा कीजिए। यज्ञ का आसन सुखदायी है, इस आसन से राक्षसों को हटाया गया है, इस आसन से दुष्टों को हटाया गया है, यह पृथ्वी का आवरण है, इसलिए पृथ्वी इसे अपना जाने। हे शिल, आप पर्वत से उत्पन्न कर्म शक्ति हैं, इसलिए पृथ्वी आपको अपना जाने। हे सैये, आप स्वर्ग लोक की रोक हैं, हे लोड़े, आप घर्षण करने योग्य हैं, आप शिल की पुत्री के समान हैं, इसलिए शिल आपको अपना जाने। हे हविधान्य, आप देवताओं को तृप्त कीजिए, आप प्राण उदान ज्ञान को धारण करते हैं, आप दीर्घायु देते हैं, पृथ्वी आपको धारण करती है, आप दूध रूप में अमृत हैं, सविता देव छिद्र रहित सोने के हाथों से आपको धारण करने की कृपा करें। सविता देव, आप प्रकाश पैदा करते हैं, उस प्रकाश में अश्विनी देव औषधियों को अपने बाहों से बढ़ाते हैं, पूका देव अपने हाथों से औषधियों को बढ़ाते हैं, औषधियां औषधियों के रस से सींच जाएं, औषधियां संसार को अपने रस से सींचें, औषधियां मधुरता को प्राप्त करें, औषधियां मधुरता युक्त जल प्रभाव में सींच जाएं। पानी और पिसे हुए चावल को मिलाया जाता है, फिर उसे अग्नि में पकाया जाता है, इस क्रिया से प्रोडास यज्ञ में आहुति देने के लिए बनाई गई सामग्री प्रोडास यजमान को पूरी आयु देता है, प्रोडास यजमान को ऊर्जास्वी बनाता है, प्रोडास यजमान के यश को और चारों दिशाओं में फैलाता है, प्रोडास को अग्नि के लिए तैयार किया जाता है, प्रोडास को सोम के लिए तैयार किया जाता है। सविता देव स्वर्ग लोक की अग्नि से प्रोडास पकाने की कृपा करें। हे मनुष्यों, डरो मत, पीछे मत हटो, यज्ञकारी यजमान को संकट मुक्त करने वाला होता है, एक गुनी दो गुनी तीन गुनी कितनी ही प्रजा हो, सभी को संकट मुक्त करने वाला यज्ञ पुरुष होता है। हे सविता देव, आप दुनिया के लिए प्रकाश फैलाते हैं, हम अश्विनी देव की बाहों और पूका देव के हाथों से आपको धारण करते हैं, हम देवताओं की तृप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, आप इंद्रदेव की दायनी भुजा हैं, आप अपने तेज से हजारों विकारों को जला देने वाली वायु हैं, आप अत्यंत प्रकाश युक्त हैं, आप तीक्ष्ण तेजवान हैं, आप दोषियों का नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं। हे पृथ्वी माता, आप में उपजने वाली औषधियों को हमारे कारण नुकसान न पहुंचे, देवताओं के लिए हवन किया जा रहा है, उसके लिए मिट्टी हटाई गई है। हे मृतिका, आप गायों के बाड़े में जाएं, स्वर्ग लोक आप पर अपनी कृपा बरसाएगा। हे सविता देव, आप पृथ्वी पालक हैं, आप हमसे द्वेष करने वालों को अपने सैकड़ों पासों में बांध दीजिए,
आप हमसे द्वेष करने वालों को मुक्त कर दीजिए। हमने दुष्ट अरुर नामक शत्रु को पृथ्वी से दूर कर दिया है, मिट्टी को निकाल कर जगह साफ कर दी है। अब उस मिट्टी से निवेदन करते हैं कि गायों के बाड़े में जाएं, स्वर्ग लोक पृथ्वी पर पर्याप्त बरसात करने की कृपा करे। सविता सृजनहार हैं, सविता हमसे द्वेष करने वालों को सैकड़ों बंधनों से बांध दें, हमसे द्वेष करने वालों को वे कभी मुक्त न करें। हे मनुष्यों, हम यज्ञ वेदिका को गायत्री त्रिष्टुप और जगती छंदों वाली प्रार्थनाओं से रचते हैं। यज्ञ वेदिका दर्शनीय है, यज्ञ वेदिका कल्याणकारी है, यज्ञ वेदिका ऊर्जास्विनी है, यज्ञ वेदिका अमृतवती है। हे परमेश्वर, आप वीरों के सर्वस्व हैं, आप क्रूर युद्धों में वीर यजमानों के सर्वस्व हैं। आप पृथ्वी पर जीवन दान कीजिए, आप पृथ्वी पर दान अनुदान की कृपा कीजिए। धीर पृथ्वी को चंद्रमा की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वधा दी जाने वाली आहुति के द्वारा यज्ञ करते हैं। हे याजकों, आप यज्ञ में काम आने वाले साधनों को अपने पास लेकर बैठिए। ईश्वर हमसे द्वेष करने वालों का वध करने की कृपा करें। राक्षसों का नाश हो गया है, शत्रुओं को भी नष्ट कर दिया गया है, हम पूर्णतः रक्षित हैं। हम पत्नी सहित यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं। हमारे साधन भले ही उतने पैने नहीं हैं, परंतु उन्होंने राक्षसों को नष्ट कर दिया है, शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, हमें पूरी तरह सुरक्षित बना लिया है। हम पत्नी सहित अन्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, हम पत्नी सहित बल की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। हम अन्न का ध्यान करते हुए आपको सम्मार्जित करते हैं, हम बल का ध्यान करते हुए आपको सम्मार्जित करते हैं। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे हे ओम ओम आदित्ये रास्नासि विष्णोर्वेष्पोऽस्यूर्जे त्वादद्धेन त्वा चक्षुखा वपश्चामि अग्नेर्जिह्वासि सुहूर्देवेभ्यो धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे। अर्थात, हे आदित्य देव, आप रसमय हैं, आप विष्णु के वास स्थल हैं, आप ऊर्जास्वी हैं, हम कमल जैसे नेत्रों से बार बार आपको देखते हैं। आप अग्नि की जीव हैं, आप देवताओं के निवास स्थल हैं, आप सर्वत्र व्यापक हैं। हे यजमानों, आप धाम धाम पर ऐसे देव का आवाहन कीजिए, आप यज्ञ में ऐसे देव को आमंत्रित कीजिए। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे हे ओम ओम सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः सवितुर्वाह प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तेजोसि शुक्रमस्य मृतमसि धामनामसि प्रेयं देवानामना धृष्टं देवयजनमसि। अर्थात, सविता ने यज्ञ साधनों को उत्पन्न किया है, बिना छेद वाले पवित्र सूर्य की किरणों से इन यज्ञ साधनों को शुद्ध करते हैं। आप तेजस्वी हैं, आप चमकीले हैं, आप अमृत हैं, आप देवताओं के प्रिय हैं, आप अदृष्ट हैं, आप देवताओं के लिए किए जा रहे इस यज्ञ के प्रमुख साधन हैं।